वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आज का वीडियो विजया एकादशी पर है। थोड़ा सा लेट हो गया, इसे दोपहर में ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा व्यस्त हो गई तो कुछ दिमाग डिस्टर्ब चल रहा था, इस वजह से ये वीडियो जो है वो दोपहर में नहीं आ पाई, इस समय आ रही है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम जो है वो विजया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर चुकी हूँ, या वीडियो की बात कर दूँगी तो आप पूजा विधि को चेक कर लीजिएगा, फिर भी मैं इसमें रिपीट करा देती हूँ। सो एकादशी के व्रत का नियम एक दिन पहले यानी कि दसवीं की तिथि से ही शुरू हो जाता है, यानी कि आज से ही शुरू हो गया है शाम से। सो आप जो है एक दिन दसवीं से ही इसके व्रत के नियमों का पालन करेंगे। एकादशी वाले दिन सुबह अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान वादी करके मंदिर में आ जाएंगे। एक चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाकर चौकी पर कलश की स्थापना करेंगे। श्री हरि विष्णु जी को जो है स्थापित करेंगे और उनका आप जो है पूजन, अर्चन, ध्यान, भजन, गीत, भोग, प्रसाद जो भी है वो करेंगे। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराना है, उसके बाद उन्हें स्थापित कर देना है, कलश की स्थापना करनी है, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। उसके पहले आप गणेश जी का पूजन कर लीजिएगा। भगवान श्री विष्णु जी को पीले रंग की वस्तु अत्यधिक प्रिय है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। तो आप उन्हें पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का भोग, पीले रंग की जनेऊ, पीले रंग का चंदन, ये सब आप पीले रंग का ही लगाइएगा। तो पूजा करने के बाद आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप कर सकते हैं। शाम में आप जो है वो इसी तरीके से आरती करनी है, आपको पूजा करनी है। सुबह में आपको जो है अपने व्रत का पारण करना है। तो शुभ मुहूर्त क्या है वो बता दो, इसके लिए ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। सो एकादशी शुरू हो रही है 8 मार्च 2021 दिन सोमवार 3:44 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार 3:02 पर। पारण का समय है 10 मार्च सुबह 6:37 से शुरू होकर 8:49 के अंदर ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। इसका मतलब 6:30 से आपके व्रत का पारण शुरू हो जाएगा और आपको 9 के अंदर अंदर अपने व्रत का पारण कर लेना है। सो ये एकादशी का शुभ मुहूर्त था। एकादशी जो विजया एकादशी है इसको करने के लाभ कहते हैं, भगवान राम ने इस दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी श्री हरि विष्णु जी की आराधना करके। पद्म पुराण के अनुसार अगर व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, पूजा करता है, तो उसके जीवन में समस्त प्रकार के जो पाप हैं, रोग हैं, दोष हैं वो मुक्त हो जाता है और किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती है। विजय एकादशी का व्रत करने से अगर आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ईश्वर आपको उन शत्रुओं से लड़ने के लिए क्षमता और ताकत दोनों चीज़ देता है। तो ये तो है विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी, लाभ पूजा की विधि में शेयर कर दूंगी। और आज से ही जो है वो शाम दोपहर से ही 3:44 से जो है वो ये शुरू हो गई है एकादशी की तिथि, सो कल तक रहेगी। परसों सुबह आपको व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले आप स्नान वगैरह कर लीजिएगा, भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर लीजिएगा, पूजन की सामग्री उठाकर अपने अपने स्थान पर रख दीजिएगा। कलश का जो है आप घर में ही विसर्जन कर सकते हैं, जल वगैरह रहता है गमले में डाल सकते हैं। पंडित जी का प्रसाद निकाल के आप अपने परिवारजनों में प्रसाद निकाल के ही अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। सभी व्रत के पारण विधि सेम है, आपको इलायची दाना तुलसी के साथ जो है वो पारण करना है गायत्री मंत्र का जप करते हुए। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि एकादशी की वीडियो आपको बेहद पसंद आई। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।